जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी थिंकिंग बड़ी क्लियर होती है कि मुझे आप कोई भी प्रॉब्लम दे दो, जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनका क्या होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम मत देना, हे भगवान ये मत करना, बस आप भगवान जाकर के चढ़ावा चढ़ा रहे हैं मंदिरों में, समझ गए ना कि किसकी निशानी है, अनसक्सेसफुल लोगों की निशानी है, अनसक्सेसफुल इन द सेंस जो डरे हुए हैं, जहां पर डर है वहां पर क्रिएटिविटी नहीं हो सकती, जो ये सोच सोच करके सोचेगा कि कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं, कहीं मेरे साथ में कुछ गलत ना हो जाए, अब वो क्या सोचेगा, वो लिमिटेड दायरे में सोचेगा, वो सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा, और आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी दे करके ये दुनिया आपसे कुछ भी करवा लेगी, बांधने में एक सेकंड लगेगा, ऐसे ही लोग बनते हैं, इन्हीं को अनसक्सेसफुल कहते हैं, वो बन जाते हैं, उन्हें क्या चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बस खत्म, और कुछ नहीं चाहिए, ध्यान से अपने अंदर झांक करके देखना, आपको समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं, प्रॉब्लम से डर लगता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं मैं इस कॉलेज से निकल तो रहा हूं पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये किसकी सोच है, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या कहेंगे, जॉब मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, मैं कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लूंगा अपनी लाइफ में। कुछ लोग होते हैं जिनको हम सक्सेसफुल बोलते हैं, उनके साथ चाहे कितना भी बुरा कुछ क्यों ना हो जाए लाइफ में, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं, वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं, मतलब उनका एटीट्यूड ऐसा होता है वो आगे बढ़ते ही रहते हैं, डिप्रेशन में जाते भी हैं तो थोड़ी सी देर के लिए जाते हैं फिर बाहर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं है फेलियर में उनको बड़ा मजा आ रहा होता है, तो किसी चीज के बारे में प्लान किया सोचा कई सालों तक कि मुझे ये करना है, फिर बुरी तरह से उसमें फेल हो गए, बुरा तो उनको भी लगेगा, इंसान है, लेकिन होता क्या है कि वो बड़ी जल्दी उस फेलियर से बाहर आ जाते हैं, बड़ी जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, बड़ी जल्दी स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और बाहर नहीं आ पाते हैं। डिप्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग थिंकिंग एंड सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ राइट थिंकिंग, इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग, सो वी नीड टू गो डीपली इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक एज इन व्हाट इज राइट थिंकिंग, हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, ऐसा कभी कोई सोचता नहीं है, ना इस टॉपिक के बारे में किसी स्कूल में बात करी जाती है, ना कॉलेज में बात करी जाती है, ना हमारे घर पे बात करी जाती है, बात क्या करी जाती है, पढ़ो लिखो ये करो वो करो फिर ये करो वो करो वो करो, मतलब इट्स ऑल अबाउट करो 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 हार्डवर्क करो 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 पढ़ो 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 लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, तो ये क्या है अगर इसको देखा जाए तो, अच्छा ये वर्ड मैं अपने हर सेशन में बोलने वाला हूँ ताकि लोगों के दिमाग में घुसे कि मैं कह क्या रहा हूं, लोगों को समझ में आए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, जो चीजों को पहले समझते हैं फिर करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्रिएटिव कह सकते हो। क्रिएटिव का मतलब क्या है कि एक प्रॉब्लम है और लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को उसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं जिस तरह से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बदलती चली जा रही है टाइम के साथ साथ, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है उसके थ्रू जो अनसर्टेनिटी है इस दुनिया में उसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता, कुछ इंफॉर्मेशन आपके अंदर फीड करी जा रही है बट उसका रियलिटी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, 20 साल पुरानी बुक्स है वही आप पढ़ रहे हो, और 20 साल में टेक्नोलॉजी कहां की कहां पहुंच गई, तीन महीने में आ रहा है, कुछ इंप्रूव हो रहा है, कुछ बेटर हो रहा है, पुराना ऑब्सोलीट हो रहा है। तो जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो उसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि अनलेस एंड अंटिल यू आर क्रिएटिव इनफ, व्हाट डू वी मीन बाय क्रिएटिविटी, कि जो आपने पढ़ा है अगर उसी तरह से आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहते हो जिस तरह से आपको लगता है कि वो जो मैंने पढ़ा है उसके बेस पे निकाल सकता हूं, तो आप क्रिएटिव नहीं हो, तो आप मैकेनिकल हो। अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलते हो और आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो तो नहीं निकाल पाओगे, फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स बदल चुकी है, जिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने के लिए ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बना था वो प्रॉब्लम्स अब है ही नहीं, अब कुछ और ही प्रॉब्लम्स है। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक ऐसी थिंकिंग चाहिए जो पूरी तरह से तैयार हो अपना जो भी पैटर्न ऑफ थिंकिंग है उसको तोड़ दे। ये डिफरेंस होता है सक्सेसफुल लोगों की सोच में और उन लोगों की सोच में जो सक्सेसफुल नहीं होते, वो एक पैटर्न में घूमते रहते हैं,
और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका कोई पैटर्न ही नहीं, इट इज नो पैटर्न। आपको ऐसा अपना माइंड डेवलप करना होगा अगर आपको जेन्युइनली सक्सेसफुल होना है। सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, इन तीनों का बैलेंस। मतलब कि आप कहते हो कि मैं बहुत क्रिएटिव हूं, लोग इसका क्या मतलब निकाल लेते हैं कि कुछ भी अजीब सा करो और बोल दो कि मैं बहुत क्रिएटिव हूं, नहीं है। तो ये अगर आप बना रहे हो अपने शौक के लिए, अपने मजे के लिए, तब तो ठीक है। बट वॉट इज क्रिएटिव थिंकिंग? टू फाइंड आउट द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, टू एन एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि कुछ नया करना है, तो नजर अलग चाहिए और दुनिया से नजर अलग चाहिए। सिर्फ नजर का खेल है, थिंकिंग मींस क्या? नजर ही तो है, समझ गए? तो अब देखो क्या होता है कि पहिए भी बन चुके थे हजारों साल पहले और ये बैग्स भी थे। एक बंदे ने दिमाग लगाया कि लोग हैं वो भारी भारी बैग्स उठा उठा करके जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर में दर्द हो रहा है। तो गाड़ी के जो पहिए थे उसको थोड़ा सा छोटा किया और बैग के नीचे लगा दिया और बंदा करोड़पति बन गया। ऐसे समझना होता है चीजों को, लोग ऐसे नहीं समझते हैं। लोग क्या करेंगे, मतलब एक बैग है तो उसको उठा उठा करके ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। ये नहीं दिमाग लगाएंगे कि क्या कोई और सोल्यूशन भी है। सोचो ना, हो सकता है उस बंदे को खुद को ये प्रॉब्लम आई हो कि मैं ये भारी बैग उठा करके लेके जा रहा हूं, तो उसने दिमाग लगाया हो कि मेरी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो उसका दिमाग चल गया। और लोग क्या कर रहे थे, वैसे कुछ सोच ही नहीं रहे थे, सब ऐसे ही चलते हैं बैग उठा करके, ऐसे ही चलना पड़ता है, दुनिया ऐसे ही चलती है, तो मैं भी ऐसे ही चलूंगा, कितना भी भारी हो मुझे चलते रहना है, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे लगे रहना है कचरों की तरह, चाहे बैग को ऐसे पकड़ू चाहे सर पे रखू, लेकिन मैं तो चलता ही रहूंगा मरते दम तक, क्योंकि पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही थी, चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसी सोच किसकी है? अनसक्सेसफुल लोग, थके हुए लोग। और जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनकी सोच क्या है? वो बोलते हैं ऐसी कोई दुनिया में प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर हैज टू बी अ सोल्यूशन। बस उनकी सोच इतनी सी अलग है कि प्रॉब्लम क्या है, मुझे भारी उठा करके चलो, इसका सोल्यूशन क्या है पता नहीं। पहला तो थॉट यही आएगा ना माइंड में, पता नहीं। लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो वहीं पर रुक जाएंगे, पता नहीं, ना मुझे पता है ना किसी और को पता है, पता होता तो इसका सोल्यूशन निकल गया होता। जो क्रिएटिव लोग हैं वो क्या करेंगे, मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे पता लगाना है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे। ध्यान से समझना क्या हो रहा है, क्रिएटिव थिंकिंग का एसेंस क्या है अगर फोकस नहीं है तो। फोकस कहां पर? प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है। हम क्या कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम से दूर भाग रहे होते हैं। अब इसको ध्यान से समझना, दो लोग हैं एक ही कॉलेज में गए हैं, मान लो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, टॉप कॉलेज नहीं है, ये मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, भरे पड़े हैं इंडिया में। चार साल तक लगकर के दोनों ने पढ़ाई करी, पढ़ाई में ऑलमोस्ट एक जैसे थे, ना टॉपर्स थे ना बिल्कुल ही गए गुजरे थे, मीडियोकर थे। दोनों ने जॉब के लिए ट्राई किया, एक जगह किया, दो जगह किया, दस जगह किया और जॉब मिली ही नहीं। ये क्या है, सक्सेस है फेलियर है? फेलियर है। चार साल वेस्ट हो गए, पैसा भी वेस्ट हो गया, हर तरफ से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो क्या हुआ, एक बंदा डिप्रेशन में चला गया, उसने कहा मैं तो फेल हो गया लाइफ, अब मेरे बस का कुछ नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा। और उसने क्या कहा, अब मुझे जो भी जॉब मिलेगी जैसी मिलेगी मैं कर लूंगा, ना से तो हाँ है। तो क्या हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वहां से ना तो पैसा ज्यादा आ रहा है, काम भी अपनी पसंद का नहीं कर रहा है और घर वाले भी अच्छे तरीके से उसको सुना रहे हैं बेस्ड अपॉन हिज पास्ट फेलियर्स, उसको खुद को भी बार बार अपने पास्ट फेलियर्स याद आ रहे हैं, तो नीचे धसता ही चला जा रहा है, जिसको बोलते हैं रॉन्ग थिंकिंग। ऐसे ही होता है ना, ये मैं एग्जांपल यहां पे इंजीनियरिंग का दे रहा हूं, यहां पे आप किसी रिलेशनशिप को भी रिलेट कर सकते हो, एक रिलेशनशिप में घुसे सबके अगेंस्ट जा करके और फिर ये हुआ और सब कुछ ही खराब होता चला जा रहा है, रिलेशनशिप डिवोर्स तक की नौबत आ गई, तो आदमी कैसे डिप्रेशन में जाता है, आदमी औरत व्हाटएवर। तो अब दूसरा जो बनता है, जो लाइफ में कुछ बड़ा करने वाला है, जिसकी सोच सक्सेसफुल लोगों के जैसी है, और सक्सेसफुल लोगों की सोच कैसी होती है कि अगर कुछ भी मैंने किया है तो कुछ ना कुछ वहां से सीखा है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने लाइफ में किया हो और उसका आपको कोई बेनिफिट ना हुआ हो, इम्पॉसिबल। अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा। होता क्या है, हम पहले ही अपने माइंड में सोच करके बैठे होते हैं कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं जिससे कि ये होगा, वो हो गया तो मैं खुश हूं, नहीं हुआ तो मैं दुखी हूं। इसको नैरो माइंडेड अप्रोच बोलते हैं।
इसको मैकेनिकल थिंकिंग बोलते हैं, समझ गए ना? हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि गोल सेटिंग नहीं करनी है, गोल सेट करो, बट अगर वो गोल अचीव ना हो तो अपने दिमाग को खुला रखो, दैट इज कॉल्ड ओपन माइंडेड थिंकिंग। ये नहीं कि एक चीज नहीं हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर कोई कील ठोकने की कोशिश कर रहे हो और वो कील नहीं ठुक रही है, तो ये नहीं कि वहां पर लगे रहो नहीं मैं तो ठोक के रहूंगा, मैं तो ठोक के रहूंगा। समझो शायद आप कोई गलती कर रहे हैं, शायद वो कील आप अगर हल्का सा साइड में करो तो वहां पर लोहा नहीं है, जैसे दीवार के अंदर होता है ना एक बीम होता है, तो वहां पर लोहा है तो कील वहां पर अंदर जा नहीं रही है, तो क्रिएटिव थिंकिंग किसे कहेंगे, थोड़ा साइड करके देखता हूं ना, समझ गए, वहां पर कोई बीम नहीं है, ठोका कील अंदर।